यहाँ पे देखिए छोटा सा फ्रंट कैमरा आएगा, बाकी का रियर व्यू आएगा। तो आप ब्लॉगिंग करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगा हर एक चीज़ दिखाने में। और हाँ तो दोस्तों, एक हाथ में मेरा फ़ोन है हॉनर 55G और एक में हुआवे 9 5G। दोनों फ़ोन देखने में बिल्कुल सिमिलर है, एक जैसा है, कैमरा भी एक ही जैसा है, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वही फ़र्क आपके सामने मैं दिखाऊंगा एक एक करके। वीडियो में बने रहिए। मेरा नाम है आफ्ताब आलम, आप देख रहे हैं टेक विथ 57। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके बने रहिए, आगे लास्ट तक देखते रहिए इस दोनों मोबाइल में क्या फ़र्क है। पहले बता दूं, ये फ़ोन है 65,000 रुपये के रेंज में और एक है 35,000 रुपये के रेंज में, लेकिन देखने में दोनों सेम है। तो देखते हैं क्या है आगे वीडियो में, चलिए आगे बात करते हैं। दोस्तों, ये जो हल्का ग्रीन मोबाइल देख रहा है हॉनर 55G है और ये हुआवे नोवा 9 है। तो चलिए इसके कैमरे के बारे में बात कर लेते हैं। इसका कैमरा है 108 मेगापिक्सल्स और इसका है 50 मेगापिक्सल। दोनों कैमरे का मैं साइड बाय साइड ट्राई करके वीडियो और फोटो करके दिखाऊंगा आपको। दोनों आप खुद देखेंगे तो आप खुद कंपेयर कर लेंगे दोनों में क्या फ़र्क है। और मज़े की बात है, इस कैमरे में दोनों फ़ोन का कैमरा, फ्रंट और रियर कैमरा, एक ही साथ ओपन हो जाता है और एक ही साथ वीडियो बन जाता है। वो भी मैं साइड बाय साइड आपको दिखाता चलूँगा आगे वीडियो में। और इसका डिस्प्ले में भी कुछ बहुत से फ़र्क हैं, सब मैं बताऊँगा। ऐसे ही आप बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, दोनों मोबाइल में बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसमें आप एक बहुत से घाटे में पड़ सकते हैं। एक फ़ोन में आपका गूगल प्ले स्टोर काम नहीं करता है, हुआवे ऐप काम करता है, और एक में गूगल प्ले स्टोर काम करता है। जिसमें गूगल प्ले स्टोर काम करता है वो हॉनर 55G है और इसमें तो हुआवे ऐप काम करता है। दोस्तों, हॉनर 55G में एंड्रॉयड 11। दोनों फ़ोन में 3.5 mm का एडियो जैक नहीं है। हेडफोन इसमें आप वायर वाला नहीं लगा सकते हैं, लेकिन एक बात और है, टाइप सी वाला इसमें हेडफोन सपोर्ट कर लेता है अच्छे से। और दोनों सेट में टाइप सी का एयरफोन कंपनी के साथ डब्बे में आता है, तो आप इससे बिल्कुल फ्री रहेंगे। बाकी एक्सटर्नल एयरफोन आप नहीं लगा सकते हैं। और दोनों फ़ोन तो दिखने में बिल्कुल सेम है, लेकिन कैमरा इसका 108 मेगापिक्सल, इसका 50 मेगापिक्सल। इसमें 8 मेगापिक्सल 120 डिग्री पे वाइड एंगल है और दो मेगापिक्सल माइक्रो सेंसर है और 2 मेगापिक्सल इसमें डेप्थ सेंसर है। सेम यही ये भी है, इसमें सेम है 50 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल माइक्रो शॉट के लिए है। बाकी का देखते हैं आगे इसमें क्या है डिफरेंस। चलिए कुछ कैमरा टेस्टिंग करेंगे, कैमरा टेस्टिंग करने के बाद आपको आगे की बात बताएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, दोनों फ़ोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है और दोनों फ़ोन आउट ऑफ द बॉक्स 66 वाट का चार्जिंग इसमें देता है। यानी आप एक घंटा के अंदर ही दोनों फ़ोन को आप इसके चार्जर से फुल चार्ज कर सकते हैं। तो बहुत फ़ायदे की बात है कि आप 4500 mAh बैटरी के साथ ये दोनों फ़ोन आता है और ये फास्ट चार्ज करते हैं। मतलब आप खाना खाने बैठे और फ़ोन को चार्ज में लगा दें, 0 से 70, 60, 70, 80% तक उतना टाइम में ये हो जाएगा, तो बिल्कुल पूरा दिन निकाल देगा। तो भाई साहब, इसमें आपका पैरों से थोपड़ा के लिए 32 मेगापिक्सल का दोनों में कैमरा दिया हुआ है, सेल्फी कैमरा। तो आप अपने खूबसूरत चेहरे का फ़ोटो आप आसानी से निकाल सकते हैं, वो भी वाइड एंगल के साथ। तो क्या खूबसूरती आएगी फ़ोटो का, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी मैं पिक लगा दूँगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कैमरा की टेस्टिंग, तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, ये है हॉनर 55G का कैमरा। चलिए इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके सामने दिख रहा होगा, बाकी देखते हैं कैमरा टेस्टिंग में क्या आता है। मैं जा रहा हूँ हॉनर 55G का कैमरा टेस्टिंग करने, तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। सिंपली मैं कैमरा ओपन करूँगा और कैमरा ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कितना शार्प फोटो आ रहा है, बिल्कुल एकदम रियल जैसा। चलिए आगे देखते हैं इसमें वीडियो मोड देखते हैं कैसा काम कर रहा है। वीडियो मोड स्विच करने पर आपको ये सिंपली वीडियो दिख, वीडियो आप देख सकते हैं कितना अच्छा है इसका। वीडियो मैं लगा दूंगा, जूम करने पे ऐसे आ रहा है। बाकी हम देख लेते हैं मल्टी वीडियो सेटअप इसका कैसा काम कर रहा है। तो मल्टी वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये फ्रंट और रियर दोनों एक ही साथ काम करता है। और हम दोनों, जैसे इसमें बहुत से मोड दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए छोटा सा फ्रंट कैमरा आएगा, बाकी का रियर व्यू आएगा। तो आप ब्लॉगिंग करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगा हर एक चीज़ दिखाने में। और इसमें सबसे बड़ा फीचर्स ये है कि आप जब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और रियर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा जूम करके आ जाएगा और बाकी का फ़ोटो आप देख सकते हैं। वहाँ पे वो लोग खड़े हैं तो कितना छोटा फुल फ़ोटो आ रहा है। अब जितना आप जूम करना चाहते हैं उतना आप जूम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ब्लॉगिंग में आपको ये हेल्प करने वाला है। तो दोनों फ़ोन में ये फ़ीचर्स दिया हुआ है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं उस फ़ोन में थोड़ा टेस्टिंग करने के बाद। दोस्तों, मैं दोनों मोबाइल का जो कैमरा टेस्टिंग करूंगा आपको दिखा रहा हूं। इसमें तो खैर आ नहीं रहा है, आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा दे रहा हूं दोनों में क्या फ़र्क है, और मैं कुछ बता भी दूंगा आपको दिखने में कैसा है कैसा नहीं है। तो चलिए आगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखते हैं दोनों का।
दोस्तों दोनों फ़ोन में आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, फ्रंट कैमरा दोनों आपके सामने खुला हुआ है। अभी मैं होनर 50 को वाइड एंगल पे शिफ्ट करूँगा तो वाइड एंगल आप देख सकते हैं, और जो हुआवे 9 है प्राइम, जो दोस्तों हुआवे 9 है इसमें वाइड एंगल नहीं दिया गया सेल्फी कैमरा में, तो आप देख सकते हैं दोनों का पिक मैं लगा दे रहा हूँ। ये तो वाइड एंगल पर क्लिक कर लिया मैंने, और ये सिंपली नॉर्मल मोड पर मैंने इसको क्लिक कर रहा हूँ सेम फ्रेम में, तो आप देख सकते हैं दोनों फ़ोन का। चलिए इसका रियर कैमरे की बात मैं कर लेता हूं, तो दोनों रियर कैमरा जैसे हम शिफ्ट करेंगे तो आप हूबहू देख सकते हैं दोनों फ़र्क है। चलिए इसको रोटेट करके आप लोगों को हम दिखा दे रहा हूं सेम फ़र्क में, हम क्या है क्या नहीं है आप खुद जज कर सकते हैं इसमें। चलिए आगे की बात हम कर लेते हैं इस कैमरे के बारे में। दोनों में 10x तक जूम है, जूम को भी मैं अप्लाई करके देख लेता हूँ। इसका ये होनर 50 का 10x जूम है, आप देख सकते हैं शार्पनेस इसमें बहुत कटा पिटा रहा है, और होनर 50 का भी मैं जूम 10x पे करके आपको दिखा दे रहा हूँ, तो आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है। दोस्तों दोनों का वीडियो मोड देख लेते हैं थोड़ा सा चल के, तो आप स्टेबलाइजेशन भी आप देख सकते हैं, दोनों वीडियो का रिकॉर्डिंग चालू कर लिया हूँ, तो आप देख सकते हैं कि दोनों फ़ोन में कैसे आ रहा है कैमरा व्यूज़। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ऐसे मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और दोनों में ब्लॉग मोड है यानी मल्टी वीडियो, तो मल्टी वीडियो भी आप देख सकते हैं कि दोनों में कैसे आ रहा है, ये फ्रंट और रियर के साथ, रियर और रियर आप देख सकते हैं कैसे आ रहा है। चलिए दोस्तों मैं आगे की बात करूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो बहुत लंबा हो चुका, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। जय हिंद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, बाय, टेक केयर।